अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 8.3 एंड 8.4 हमने सॉल्व करनी है। ये जो मैं बोलने लगा हूँ ना बात, ये मैं दो लेक्चर आएंगे 8.3 8.4 के, दोनों के साथ शुरू में एडिट करके लगा दूंगा। बच्चों मेरे पास टाइम बहुत कम था, ये टॉपिक मेरे लिए कंप्लीट करवाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था, मेरा थीसिस फंसा हुआ है, बहुत बहुत सी चीज़ें हैं जो काफ़ी फंसी हुई हैं, मेरा ऑपरेशन भी है आई साइट का, काफ़ी मसले हैं, तो मैं लेक्चर बिल्कुल सही तरीके से नहीं बना सका इसका। मैंने बुक सामने रख के डिटेल में चीज़ बताई है, तो आपको वो फुल टीचिंग मेरी नहीं नज़र आएगी। कुछ ऑर्गेनाइज मैंने नहीं किया हुआ, रैंडम आगे पीछे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन स्टिल मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके मैं आप लोगों को नॉलेज दूं, क्योंकि असल मकसद नॉलेज देना है। क्वेश्चन तो शायद कोई और भी सॉल्व करवा रहा होगा यूट्यूब पे, जितना हो सका कि मैंने यार क्वेश्चन जो नॉलेज आप लोगों को दे सकूँ फंक्शन से रिलेटेड, वो सब मैंने आप लोगों को दिया है। कोई अगर कमी रह गई हो, कितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करवाए वर्बली समझा दिए, कोशिश करना उसको समझ लेना, ना बस थोड़ा मसला हो तो गाइड से थोड़ी हेल्प ले लेना, इस तरीके से सॉल्व कर लेना। माजरत के साथ, थोड़े इश्यूज हो रहे थे, ऑर्गेनाइज बिल्कुल भी नहीं हुआ था मेरा लेक्चर, तो जैसा वैसा हुआ मैंने बस रिकॉर्ड कर दिया, तो दो लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 8.3 एंड 8.4। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चों 8.3 और 8.4 में जो टॉपिक था वो हमने लास्ट क्लास में समझा था कि आपने इसमें बेसिकली फंक्शंस को ड्रॉ करना है। अच्छा, जो छोटे छोटे फंक्शंस थे वो आपको यहाँ पे कम ही नज़र आएंगे, जैसे ये वाला फंक्शन नज़र आ रहा है, बाकी वो जो डिफरेंट रैशनल और वो किस्म के थे वो इनके एक्सरसाइज में इतने मौजूद नहीं है। एक्सरसाइज में ज़्यादातर आपको पैराबोला के सवाल ही मिलेंगे, मतलब जिसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। आपने क्या करना है, उनको स्केच करना है। अच्छा, पेपर में सवाल जो शॉर्ट में आ सकता है वो इनमें से कोई भी आ सकता है। जैसे पहले लिखा हुआ है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फॉर एग्जांपल आपको एक फंक्शन दे दें और बोलें कि स्केच करो, ये चार नंबर में सवाल बन सकता है इतना। अच्छा, बाकी कोई भी अगर आप सवाल देखो तो ये फेवरेट है पेपर में आने के लिए, इसी तरह 8.4 का कोई भी सवाल फेवरेट है पेपर में आने के लिए। अब करना इनमें क्या है, सब में आपको फंक्शन को ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले लीनियर है y इज इक्वल टू 5x+2। अब लीनियर को ड्रॉ करना बड़ा इजी काम है बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि यार आपने 3 से 4 पॉइंट को पिक करना है। फॉर एग्जांपल ये आपको ड्रॉ करना है ना, इसमें x की वैल्यू आप -3 ले लेना, एक x की वैल्यू -1 ले लेना, एक x की वैल्यू 1 ले लेना, एक x की वैल्यू 3 ले लेना, तो इससे जो 4 y वैल्यूज आएंगे ना ये आपके पास पॉइंट्स आएंगे। ये जब ये ड्रॉ करूंगा तो इसी के पैटर्न पे आप कर लेना इसी तरह। तो करने के बाद सिंपल स्ट्रेट लाइन आएगी, आपको मसला नहीं होगा, कोई इशू आप लोग फेस नहीं करोगे उसमें। रही बात क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 2 है इसमें क्वाड्रेटिक है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में y इक्वल टू x की पावर 5 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने एक सर्किल दिया हुआ है, लेकिन आपको स्क्वायर रूट फंक्शन ड्रॉ करना है। तो पैराबोला को ना फिलहाल हम स्किप करते हैं, क्योंकि पैराबोला के सवाल आगे भी हमने बहुत दफा करने हैं। y इज इक्वल टू x की पावर 5 को ड्रॉ करना बच्चों इसी तरह है जैसे आप लोगों को सवाल में उन्होंने ये बात बोली हुई थी। अगर आप यहाँ पे आओ तो ये सवाल मौजूद था यहाँ पे, आपने ड्रॉ किया था y इज इक्वल टू x की पावर 4, ये है। तो ये जो आपके पास फंक्शन बना हुआ है y इज इक्वल टू x की पावर 4 बना हुआ है, इसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने x की वैल्यूज को बहुत ज्यादा नहीं लेना, वरना आंसर जो है वो आपका बहुत बड़ा आ रहा होगा, ठीक है। सेम काम मैं भी यही करूंगा कि मैं जो x की वैल्यूज है वो कम ही लूंगा यहाँ पे, लेकिन आप लोगों ने काम करना है इस वाले सवाल को खुद ही सॉल्व करना, बाकी जो पेपर में आ सकते हैं या जो पैराबोला वाले वो तो चलो मैं सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन y इज इक्वल टू x की पावर 5 को ड्रॉ करने का बड़ा ही आसान तरीका है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने ड्रॉ करना है। कुछ इस टाइप का एक ट्रेंड आ रहा होगा, 2-3 पॉजिटिव वैल्यू ले लो, 2-3 नेगेटिव ले लो, 1 जीरो ले लेना बस, ठीक है। और जैसे इन्होंने ये ली भी ना वैल्यू, आप क्या करना, आप 0.5 ले लेना, इस तरह आप 1 ले लेना, आप 1.5 ले लेना, ठीक है, ये वाली वैल्यूज देना और पुट करना इस फंक्शन के अंदर, y इज इक्वल टू x की पावर 5 के अंदर। इसी तरीके से आप यहाँ पे दरमियान में 0 ले लिया, फिर यहाँ पे -0.5, -1, -1.5, तो 3 आपने नेगेटिव ली, 3 पॉजिटिव ली, एक आप 0 ले लेना, तो 3 यहाँ पे मिलेंगे, 3 यहाँ पे मिलेंगे और 1 0 मिलेगा, इनको आपस में ड्रॉ कर देना, आपके पास आसानी से कर्व आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सवाल आप लोग ट्राई कर लेना, मैं काम करता हूँ, मैं चलो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी, और आप लोग एक दफा तरीका देख लो, नेक्स्ट टाइम जो है वो शायद मैं रफ रफ सा आप लोगों के सामने ग्राफ बना लूँ, एक ही दफा तरीका आप लोग देख लो कि किस तरह आप ग्राफ को ड्रॉ करते हो। सवाल है आपके पास x² + y² = 25, क्वेश्चन नंबर 2 है 8.3 का, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब ये आपके पास पूरा ग्राफ पेपर है, मेन चीज आपको यहाँ पे सीखनी है कि यार ग्राफ में दो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, एक को आप कहते हो टाइटल, ठीक है, टाइटल क्या होता है, और एक होता है स्केल। ये दो चीजें जो आपने ग्राफ के ऊपर मेंशन करनी होती है। टाइटल होता है कि आपने किन क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ बनाया है। अब यहाँ पे भी क्वांटिटीज नहीं है, आपने एक्स और वाई लिया हुआ, तो इसलिए मैं टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मली फिजिक्स केमिस्ट्री में आप टाइटल मेंशन कर रहे होते हो कि टेम्परेचर वर्सेस टाइम, या फॉर एग्जाम्पल
वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस या जो भी आप ग्राफ बना रहे हो तो जिन दो क्वांटिटीज के दरमियान होता है तो आप टाइटल में मेंशन कर देते हो ऊपर, लेकिन वो यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी चीज हम क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे स्केल मेंशन कर रहे होंगे। अब वो स्केल जाहिर सी बात है एक्स और वाई एक्सिस पे अलग हो सकता है, तो वो स्केल हम मेंशन करेंगे। स्केल मेंशन करने से पहले एक बेसिक बात सीख लो, जो आपका ग्राफ है ना ये एक्स और वाई एक्सिस आपका आपकी मर्जी होती है कि आपने एक्स और वाई एक्सिस को कहाँ पे बनाना है ग्राफ पेपर पे, लेकिन एक असूल को याद रखो कि आपका जो ग्राफ है ना वो तकरीबन 60% 70% ना उस पर आया हुआ हो। ये नहीं कि आपने ऐसा ग्राफ बनाया जो एक छोटे से हिस्से के ऊपर आया हुआ है, पूरा ग्राफ पेपर आपका खाली वो छोटे से हिस्से पे ग्राफ आया हुआ है, वो सेंस नहीं बनाती बात। जो इतना ग्राफ पेपर है तो एटलीस्ट आपका तकरीबन 60% 70% कुछ तो कवर किया हुआ हो आपने इसके अंदर। अब रही बात कि वाई एक्सिस दरमियान में बनाना है या वाई एक्सिस साइड पे और एक्स एक्सिस नीचे, या वाई एक्सिस भी दरमियान में एक्स एक्सिस भी दरमियान में, ये देखोगे आप अपने फंक्शन को। अगर आपका फंक्शन है ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अगर आप ये दरमियान में बना के इस जगह पे छोटे से बना के क्या करोगे, तो फिर आप क्या करना, वाई एक्सिस को इधर बनाना, एक्स एक्सिस को इधर बनाना, यहाँ पे पूरा आपका ग्राफ होगा। लेकिन अगर आपका ग्राफ डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर है, फर्स्ट में भी है, थर्ड में, या फर्स्ट में सेकंड में, या फर्स्ट में फोर्थ में, तो फिर आप एक काम करो कि आप बस दरमियान में वाई एक्सिस वो देख लेना ना ग्राफ में। फॉर एग्जाम्पल आपका ग्राफ जो है वो मौजूद है अगर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फिर वाई एक्सिस को यहाँ पे बनाना और एक्स एक्सिस को इधर दरमियान में बनाना, तो फर्स्ट और फोर्थ में आ जाएगा। अगर वो फर्स्ट और थर्ड में है तो फिर वाई और एक्स को इस तरह बनाना। अगर फर्स्ट और सेकंड के अंदर मौजूद है तो फिर फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस को आप यहाँ बनाना और एक्स एक्सिस को नीचे बना देंगे तो फर्स्ट और सेकंड में आ जाएगा। तो ये खैर आपको देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आप अच्छा अब आपने देखना आप किसको ड्रॉ कर रहे हो। जैसे मैं अभी स्क्वायर रूट फंक्शन को ड्रॉ करने लगा हूँ, तो अब ये कोई किसी बुक में लिखा हुआ नहीं कि स्क्वायर रूट फंक्शन को ऐसे ही करना है, लेकिन मैं एक अंदाजन आपको बता रहा हूँ कि आप अपने ग्राफ के मुताबिक देख के चलना है कि किसको किस तरह उसको बनाना है। अब मुझे पता है जो स्क्वायर रूट फंक्शन है इसका एक हाफ ऊपर होगा और दूसरा जो स्क्वायर रूट फंक्शन बनेगा वो नीचे बनेगा, तो मुझे पता है ऊपर वाला जो है वो मैं इस तरीके से बना दूंगा कुछ। तो तकरीबन ये समझ लो मजीद इस वाई एक्सिस को मैं नीचे ही बना सकता हूँ, बल्कि मैं नीचे बना देता हूँ इसको। अच्छा अब ये आपका एक्स एक्सिस बन गया, ठीक है, और ये दूसरा एक्सिस जो है ये आपका वाई एक्सिस बन गया। जो एक्स एक्सिस होता है उस पर आप इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को प्लॉट करते हो और जो वाई एक्सिस होता है उस पर डिपेंडेंट को करते हो। अच्छा ये चीज़ अभी आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे होगे, फॉर एग्जांपल आप टाइम वर्सेस टेम्परेचर कर रहे हो, तो इस तरह समझो इंडिपेंडेंट वो है कि जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अब आप टाइम के हिसाब से देखते हो कि टेम्परेचर में क्या फर्क पड़ रहा है, तो फिर आप एक्स एक्सिस पर टाइम को कर लेते हैं, वाई एक्सिस पर टेम्परेचर को कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई क्वांटिटीज नहीं है तो इसलिए वो वाला चक्कर भी नहीं है कि किस एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी आपने ड्रॉ करनी है। अच्छा अब आ जाओ कि आपने इसको ड्रॉ कैसे करना है। मैंने बता दिया 60% एरिया आपका तकरीबन कवर होना चाहिए, आपको ग्राफ प्रॉपर नजर आना चाहिए। स्केल अब आप लोगों ने सेट करना है बैठ के, वो आप देखोगे वैल्यूज क्या है। अच्छा ये जो आपको पेपर मिलेगा यहाँ पे आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, अब वो कैलकुलेशन ब्लैक पॉइंटर ब्लू पॉइंटर जो भी आपको जिस तरह आपको अच्छा लगे वो कर लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 8.3 का, और सवाल आपको यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इनको आपने ड्रॉ करना है, अभी ये सर्कल की इक्वेशन है, आपने इसको स्क्वायर रूट फंक्शन बनाना है। कैसे बनाओगे, मैंने अभी बताया था वाई स्क्वायर बराबर होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर के, आप यहाँ पे रूट लोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं अभी फिलहाल ड्रॉ कर रहा हूँ इसका पॉजिटिव वाला हाफ, दो स्क्वायर रूट फंक्शन बनेंगे, दूसरा वाला आप लोग खुद ड्रॉ कर लेना है एग्जैक्ट इसी पैटर्न के ऊपर। मैं फिलहाल ड्रॉ कर रहा हूँ वाई इज इक्वल टू 20 स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ड्रॉ करने से पहले आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है, ये टेबल का क्या काम है, टेबल का काम है एक्स और वाई वैल्यूज आप इसके अंदर पुट करोगे, आपके पास पॉइंट्स आ रहे होंगे और उन पॉइंट्स को आप प्लॉट करोगे ग्राफ के ऊपर। ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है बच्चों, स्क्वायर रूट फंक्शन से हमें क्या नतीजा मिला, वो ये कि यार इसमें आंसर आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकता, आंसर पॉजिटिव ही होगा। और दूसरी बात, आप यहाँ पे क्या एक्सपुट कर सकते हो, याद रखो आप यहाँ पे माइनस फाइव और फाइव के दरमियान ही कुछ एक्सपुट कर सकते हो, इससे अगर लावा कुछ पुट करोगे ना तो आंसर आपके पास नेगेटिव सॉरी आंसर आपके पास इमेजिनरी आ जाएगा, तो इस बात का खास ख्याल रखना, माइनस फाइव और फाइव के दरमियान ही आपने यहाँ पे पुट करना है। तो मैं काम करते हैं, हम एक्स वैल्यू फॉर एग्जांपल एक तो माइनस फाइव ले लेते हैं, फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं माइनस फाइव पुट करूंगा आंसर जीरो आ रहा होगा। अच्छा इसी तरह अगर मैं माइनस फोर पुट करूंगा तो आंसर मेरे पास अच्छा होगा, तो मैं वो पुट कर देता हूँ। अगर मैं माइनस थ्री पुट करूंगा तब भी आंसर मेरे पास अच्छा आ रहा होगा, तो माइनस थ्री देख लेते हैं, ठीक है। टू पुट करने पे वन पुट करने पे ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन चलो मैं वन भी पुट कर लेता हूँ, ठीक है, फिर हम एक जीरो ले लेते हैं। एक काम करो आप माइनस फोर पुट कर लिया ना आपने, कर माइनस फोर को निकाल देते हैं क्योंकि फायदा नहीं है, माइनस फाइव और माइनस थ्री इतना करीब करीब है, ये पेपर में हरकत नहीं करना आप लोग, सोच समझ के लिखना क्योंकि मैं तो अभी समझा रहा हूँ, तो इसलिए ये है। तो इसको माइनस वन ले लेते हैं, इसको हम जीरो ले लेते हैं, यहाँ पे आप वन ले लो, फिर आप थ्री ले लो,
और फिर आप 5 कर लो। उसकी वजह है कि पॉइंट भी कम हो और आप ऐसा भी ना हो कि आपका ग्राफ सही तरह ना बनाया हुआ हो, दोनों काम पूरे हो जाएंगे। तो जब आप यहाँ पे -5 पुट करोगे, -5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये 0 आंसर आ जाएगा। जब -3 पुट करोगे, -3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, 25 -9 16, 16 का रूट 4। अच्छा, -1 पुट करोगे तो आंसर आपके पास क्या आ रहा होगा, 24। रूट 24 हम जरा कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। रूट 24 का आंसर है 4.8989। तो अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो 4.90 कर लेते हैं इसको। अच्छा, फिर बात करो, 0 पुट करोगे यहाँ पे तो जस्ट 25 बचेगा, 25 का रूट जो है वो 5 होता है। फिर 1 पुट करोगे, अगेन वही 4.90 आ जाएगा। फिर अगर आप 3 पुट करोगे तो अगेन 4 आ जाएगा। इस तरह अगर आप 5 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। अब ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने हैं। ग्राफ पे आपने ना पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए, आपको एग्जैक्ट पॉइंट मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, पहला पॉइंट है -5.0, मतलब एक्स वैल्यू, अच्छा स्केल डिसाइड करते हैं। अब देखो, एक्स एक्सिस पे -5 से लेके 5 है, मतलब 0 से लेके 5 तक होना चाहिए यहाँ पे। अब आपने किस हिसाब से लेना है, अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 ले लूंगा तो 5 तो मेरे पास नहीं आ पाएगा। अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4, 5 लूंगा तो मजा नहीं है, क्योंकि ये वाला हिस्सा पूरा खाली हो जाएगा, मतलब ये पूरी चीज खाली हो जाएगी, इस पे ग्राफ नहीं होगा, इस पे ग्राफ नहीं होगा। तो काम करता हूँ मैं इसको यहाँ तक यूटिलाइज करता हूँ ना, तो मैं दरमियान का कोई पिक करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे ना 7 स्मॉल बॉक्स लेता हूँ, तो अब इसके लिए मुझे खुद आना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 रखते हैं यहाँ पे, इसके बाद मजीद 7 3 हो गया और ये 4, तो ये हम ले लेंगे 1, 2, फिर 7 यहाँ पे आ जाएगा और फिर 7 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल जगह है मेरे पास इतनी, तो इसको हम ले लेंगे 7, ठीक है। फिर इसके अंदर 7 ऐड करो तो यहाँ पे आएगा, फिर 7 यहाँ पे आएगा। अच्छा, मजीद अगर आप ऐड करो तो 7 यहाँ पे होगा, फिर 2, 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी इस वैल्यू को हम ले लेते हैं 1, ये वैल्यू है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। अब देखो कॉर्नर तक आ गया ना, तो ग्राफ मैंने बताया था ग्राफ आपका कवर होना चाहिए पूरा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर 7 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब अगर वो टाइम होता तो मैं लिखता 1 सेकंड के बराबर है, कुछ ऐसा यूनिट विनिट होता ना। अच्छा, नॉर्मली आप एक्स एक्सिस को भी लेबल करते हो, यहाँ पे टाइम लिखते हो, फिर उसके बाद उसका यूनिट लिख रहे होते हो आगे सेकंड, लेकिन वो भी चीज नहीं थी तो इसलिए वो नहीं लिखा मैंने, तो ये मैंने कर दिया सेम चीज। अब एक्स एक्सिस पे तो एक ही चीज फॉलो होगी ना, तो यहाँ पे आप इधर भी कर दो, एक इधर आ जाएगा, ये 3 है, ये 4 हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाए, ये 6 हो गए, ये 7 हो गया, फिर आप यहाँ पे मेंशन करोगे और फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3, ये -4, ये -5। एक और ग्राफ का रूल भी ये भी होता है कि आप ग्राफ को ना एक्सिस को ब्रेक भी कर सकते हो। अब ये बातें जाहिर सी बात है आप लोगों के लेवल पे है नहीं तो आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक एक्सिस पे तो वैल्यू तो स्टार्ट हो रही है 0, 1, 2 से, जबकि दूसरे एक्सिस पे फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे जहन में भी एकदम से आया है कि 0 टाइम पे किसी चीज का टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल है 100 फ़ारेनहाइट। अब जो एक्स एक्सिस पे फॉर एग्जाम्पल आपने टाइम रखा, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर रखा आपने वाई एक्सिस पे, अब टेम्परेचर डायरेक्ट 100 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको 0 से स्टार्ट करोगे, आप लिखोगे 0, 10, 20, 30 स्केलिंग करने के बाद 100 से आप स्टार्ट कर रहे हो, अब वो कितनी अजीब चीज है, टाइम 0 पे आप पता नहीं कहाँ मेंशन कर रहे हो अपर पॉइंट। तो बाकी डिफरेंट और भी एग्जाम्पल आपको ऐसे मिल जाएंगे कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज आप मेजर कर रहे हो जिसमें स्टार्टिंग में उसकी रीडिंग जो है वो 90,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो हम नॉर्मली एक्सिस को ब्रेक भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसका भी तरीका होता है, अगर आप एक्स को, जैसे तो मैंने 0 से स्टार्ट की ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्स को 0 से स्टार्ट नहीं करना चाह रहे ना, तो हम इस टाइप की ना वेव बनाते हैं, ठीक है। वेव बनाने के बाद जो नंबर है ना वहां से स्टार्ट करते हैं। इसकी वजह यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहली चीज को यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि 1000 के बराबर है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि 1000, 2000, 3000 अगर मैं यहाँ पे 1000 लिखूंगा, ठीक है, और उसके बाद फॉर ये समझ लो कि 1000 के बाद मुझे मेरे पास एक रीडिंग आई है, इसको इस तरह समझो एग्जाम्पल है कि जिसमें 1000 है, फिर 1050 है, फिर 1100 है, मतलब 1100, फिर है 1150, फिर है 1200। तो अगर मैं यहाँ पे 1000 लिखूंगा और फिर यहाँ पे 1050 लिखूंगा, तो ये मेक सेंस नहीं करेगी बात, क्यों, क्योंकि अगर मैंने ये चीज नहीं डाली हुई, क्योंकि 0 से लेके यहाँ तक तो है 1000 और यहां से लेके यहां तक 1050, मतलब ये वाली चीज पूरी 50 को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली चीज 1000 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये मेक सेंस नहीं करेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, यहां से ब्रेक कर दूंगा और इसको स्टार्ट करूंगा
100 से, आप ये समझ लो कि जीरो है, जैसे जीरो था ना, उसके बाद आप स्केलिंग करके स्टार्ट कर देते तो अभी आपका जीरो बन जाएगा। उसके बाद आपके सेवन स्मॉल बॉक्स 50 के होंगे, तो ये 1050, ये 1100, ये 1150, ये 1200। तो यहाँ से जब आप एक्सिस को ब्रेक करते हो ना, जो वैल्यू लिखते हो, इसका मतलब वहां से आपका स्टार्ट हो रहा है वो। तो ये फायदा होता है आपको कि अगर वैल्यूज उस हिसाब से हो तो आप एक्सिस को ब्रेक भी कर सकते हो। बोले अब आ जाओ वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस में देखो आपको जो वैल्यू मिल रही है ना, यहाँ पे ये जो सर्किल था ना, इस पे आपको वैल्यू वैसे 5 मिलनी चाहिए थी। हाँ 5 मिल रही है, सही है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको 5 मिल रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब आपने ड्रॉ इस तरह करना है कि फॉर एग्जांपल इसको 1 ले लेते हैं, 2, 3, 4, 5, और ये मेक सेंस कर रही है, ज्यादा भी लंबी ना कर देना या फिर वो मेक सेंस नहीं कर रहा होगा। तो आप एक काम कर लो, ऑन वाई एक्सिस ये जो 1 ले रहे हो ना, तो ये आप इसको कह सकते हो 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो आप ये 10 स्मॉल बॉक्सेस को आके ये जो पॉइंट है इसको आप 1 बोलोगे, फिर ये 0.2 होगा, ये 0.3 होगा, ये 0.4 होगा, ये 0.5 होगा। तो अगर ऑब्जर्व करो 55-60% आपका ग्राफ जो है वो तकरीबन, क्योंकि पहली लाइन को तो आप स्किप कर दो ना, वो तो चलो स्केल टाइटल रखने वाली है, एंड भी इतनी कंसीडर नहीं होती, ये पूरा आपका थोड़ा रीजन होता है ग्राफ का। तो इनशाला आपका ग्राफ जो है वो इस रीजन के अंदर आ रहा होगा। अब रही बात पॉइंट को पुट करने की, सबसे पहले आपके पास पॉइंट है -5 पे 0, ये -5 है, इस पे आपको y वैल्यू 0 मिल रही है, मतलब ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा, मतलब यहाँ पे होगा। तो नॉर्मली पॉइंट को मेंशन करने के बाद ना एक सर्किल बना दो उसके अराउंड, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है -3, 4, ये -3 है और 4 कहाँ पे होगा ये, तो आपने -3 से ऊपर आ जाना है और 4 से इधर आना है, तो ये 4 से इधर आगे ये पॉइंट है एक, ठीक है, इसको आप सर्किल बना दो। फिर पॉइंट है 1, -1 पे 4.90। अच्छा चलो वो बाद में कर लेंगे, -1 ये है, इस पे 4.90 है, -1 है इससे सेकंड लाइन, ठीक है, इससे सेकंड लाइन है, और 4.90 कहाँ पे होगा, देखो ये 4 है, 4.1, 4.2, ये 4.5 हो जाएगा, फिर 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, तो दो लाइन इस तरफ है ना, हाँ यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। माइनस इस वाली लाइन से ये 2 आगे है ना, इस वाली लाइन से 2 आगे एग्जैक्ट ये, तो ये आपने बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 0 पे 5 है, ये 0 है, इस पे आपको वैल्यू 5 मिल रही होगी, तो एक आपने इसको मेंशन कर दिया। फिर है 1 पे 4.90, अगेन ये है ना 1, तो 4.90 तकरीबन यहाँ पे आएगा, 1 से ऊपर 4.90। उसके बाद है 3, 4, ये 3 है और 4 कहाँ पे, ये 4 है, तो आप 3 से इस तरह बना लो, एक पॉइंट ये आ जाएगा। फिर आखिरी है 5, 0, ये 5 है, 0 मतलब y एक्सिस के ऊपर है। अब देखो मुझे एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि इस वाले पूरे रीजन में ना कोई पॉइंट नहीं है, इस वाले रीजन में कोई पॉइंट नहीं है, तो बेहतर है कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट पिक कर लेता हूँ। अच्छा मैं रिकमेंड करूँगा इस चीज़ को बाद में बना लो, ये पहले रफ में बना लो, क्योंकि देखो ये वो टेक्निक है जो रट्टे वाली टेक्निक नहीं है। आप अब हर ग्राफ पे ना ये चीज़ वैलिड नहीं होती, कोई ग्राफ किसी डिफरेंट टाइप का होता है। देखो इस वाले पूरे रीजन में कोई नहीं है, तो जब मैं मिलाऊंगा ना, तो देखो दरमियान में मेरा हाथ भी आगे पीछे हो सकता है, तो एक काम करो कि पॉइंट यहाँ पे पिक कर लो ताकि आसानी हो जाएगी। ये -3 पे एक काम करते हैं, आप देखो इस ग्राफ में वैसे मुझे दिखने में लग रहा था काफी क्लोज पॉइंट है, लेकिन ग्राफ में इनमें फर्क आ रहा है, तो मैं -4 पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ना एक -4 वाला पॉइंट भी इंक्लूड कर लेना, कि -4 पुट करोगे आंसर 3 आएगा, और यहाँ पे 4 पुट करोगे तो आंसर 3 आएगा। तो -4 पे 3 आंसर आ रहा है आपका, ये 3 है और -4 इससे 2 यूनिट इधर है, तो ये समझ लो यहाँ पे एक पॉइंट है। तो देखो एक यहाँ पे आपने शामिल कर लिया, इसी तरीके से यहाँ पे भी करोगे, 3 इससे एक लाइन इधर है और ये 3 यूनिट है, नहीं एक सेकेंड, -4 पे 3 है, ये 4 है, यहाँ पे 4 पे आपको 3 मिल रहा है, तो ये इस लाइन के इस तरफ है, इस लाइन से 2 यूनिट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा 0.3, ये सारे पॉइंट मिल गए। अब आपका क्या काम है, अब आपको नेचर पता होनी चाहिए, एक स्मूथ कर्व यहाँ पे बन रहा है। तो अब देखो मुझे तो एंगल मेरा काफी खराब है, आप लोग थोड़ा खूबसूरती से बना लेना इसको। अभी भी देखो इस रीजन में कोई पॉइंट नहीं है, तो मैं अगर एक काम करता हूँ, मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे। देखो अच्छा ग्राफ बनाना है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे -4 और -5 के दरमियान एक आप पॉइंट ले लो, आसानी हो जाएगी आपको। अब ये कि किसी बुक में नहीं आया हुआ, पेपर में अगर आप ना लो नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन बेहतर चीज़ है कि आपको यहाँ देखो पूरा रीजन खाली का, बाकी देखो कितने अच्छे तरीके से आप मिला सकते हैं उसको, इस वाले रीजन में भी कोई ले लो ना। तो ये काम करता हूँ मैं, -4.5 ले लेता हूँ यहाँ पे ना, आप पॉइंट इंक्लूड करना -4.5, ठीक है, और आप इस फंक्शन के अंदर पुट कर लो एक ही दफ़ा 25 -4.5 का स्क्वायर। अच्छा आप -4.5 का करो या खाली 4.5 का करो, बात एक ही है, स्क्वायर तो बहुत जरूरी होता है। तो ये आंसर आ रहा है 2.179 है, राउंड ऑफ करो तो 2.18 है,
2.18. इसी तरह यहाँ पे 4.5 पुट करोगे तब भी आंसर आएगा 2.18. 4.5 यहाँ पे कहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये -4 है तो दरमियान में 7 है, ठीक है. अब 7 का हाफ क्या होता है, 7 का हाफ 3.5 होता है. तो आप 1, 2, 3 बिल्कुल दरमियान में आ पाओ. ये दरमियान में आना है मतलब इस ब्लू बार के पहले को छोड़ के दरमियान में होना चाहिए. इस तरह मैंने निशानी रखी है. और 2.18 वैल्यू है तो 2.18 यहाँ पे 2 है, ये 2.1 होगी और ये 2.2 होगी. 2.2 के करीब ही होगी, मतलब ये दूसरी लाइन जो है करीब होगी और इसके दरमियान में होगी. तो आप ये समझ लो तकरीबन ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा. एक और पॉइंट मिल गया. सेम काम आपने यहाँ पे भी करना है कि फॉर एग्जांपल 4.5 जो है 1, 2, 3, 3.5 दरमियान में और 2.18 तकरीबन यहाँ पे होगा 2.18. तो आप तकरीबन एक पॉइंट इसके करीब बना दोगे. सही है. अब मेरे ख्याल में आपके पास काफ़ी पॉइंट्स आ गए हैं, अब आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो. वैसे दिल तो मेरा चाह रहा है मैं एक और पॉइंट पिक करूँ लेकिन आप लोग वीडियो बंद करके चले जाओगे, इतनी भी ज़रूरत नहीं है. खैर आपको अरे आपने ना स्मूथ सा बनाना है. मेरे पास असल में एंगल ट्राइपॉड का इस तरह हुआ है कि मैं इसको स्मूथ सा बना रहा है, कोशिश तो कर रहा हूँ इस टाइप का. तो ये देखो ये आपके पास एक पूरा ग्राफ आ गया. अब इस ग्राफ की खास बात क्या है कि भाई ये तकरीबन अगर आप पहली और आखिरी लाइन को छोड़ दो तो ये एटलीस्ट 60% में माना जाएगा. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ हिस्से ना, तो आठ में से आप ये समझ लो एक इस पे नहीं है और तकरीबन एक इस पे नहीं है. तो 60% 65% ये ग्राफ आपका पूरा कवर हो रहा है. अच्छा सा ग्राफ है ये. ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इस कर्व को जो आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ y=25. अच्छा एक आखिरी चीज़ है वो कि आप पॉइंट भी पुट कर सकते हो, मतलब पॉइंट वैल्यूज देख सकते हो. ये -5.0 है, ये फलाना पॉइंट है, पुराना पॉइंट पॉइंट मेंशन कर दो यहाँ पे, इनकी एक्स और वाई वैल्यू मेंशन कर दो और अच्छी बात हो जाएगी. ये वो बच्चों मेथड है जिसके तहत आप लोग ग्राफ को ड्रॉ करोगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला हुआ है स्केच करो इन क्वाड्रेटिक फंक्शन को. क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है कि स्केच करो यूजिंग फैक्टर्स. देखो यहाँ पे इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना कि फैक्टर के जरिए से ही आपको करना है, तो फिर हम उसी मेथड को करेंगे. अगर जनरलाइज आपके पास आ रहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को आपने ड्रॉ करना है, कोई इक्वेशन है और आपको ड्रॉ करना है, तो देखो एक मैं तरीका बता रहा हूँ. ये तरीका उस वक्त आपको फायदा देगा कि जब आपके पास किसी भी किस्म का क्वाड्रेटिक है, अब चाहे उसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो चाहे उसकी मिडिल टर्म ब्रेक ना हो, एक जनरलाइज मेथड है वेक्टर इसको बोलेंगे वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके, और आपका हर जो पैराबोला है वो उस पर वैलिड है. क्योंकि देखो फैक्टर फॉर्म ज़्यादा फायदा आपको वहाँ पे देती है जब आप मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर रहे हो, आसानी आपको होती है उसके अंदर, आप आसानी से एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल लेते हो. फॉर एग्जाम्पल आपके पैराबोला का एक्स इंटरसेप्ट ही नहीं है कोई, जैसे ये जो मैंने इक्वेशन पिक करवाई भी है इसमें अगर आप सॉल्व करो तो एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, आप मिडिल टर्म ब्रेक करने लगोगे, मिडिल टर्म ब्रेक ही नहीं होगी यहाँ पे, आप फंस जाओगे यहाँ पे. तो अब इसको ड्रॉ कैसे करोगे, तो अगर तो किसी में मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है काफी आसानी होती है, आसानी इन द सेंस आपके पास दो एक्स इंटरसेप्ट आ जाएंगे, मैं लास्ट क्लास में बताया था वाई इंटरसेप्ट इसका आएगा, ठीक है, तो उसमें तो काफी आसानी हो जाएगी. लेकिन जब उसका एक्स इंटरसेप्ट नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, जैसे पहली तो एक बात है इस क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्क होता है. क्वाड्रेटिक फंक्शन वो होता है जिसमें वाई आ रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल टू जीरो आ रहा है. इसको अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे ना तो आपको दो वर्टिकल लाइन मिल रही होंगी, क्योंकि इसके एंड पे ना आपको दो वैल्यूज मिलेंगी. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 2 समथिंग या x इज इक्वल टू 3 समथिंग, कोई भी दो वैल्यूज मिल रही होंगी. तो ये रिप्रेजेंट करती है वर्टिकल लाइन को, तो ये तो दो वर्टिकल लाइन ग्राफ पे बन रही होंगी, ठीक है. तो इसको ड्रॉ नहीं करने लग जाना, इसको ड्रॉ करोगे तो पैराबोला मिलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन को ड्रॉ करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ड्रॉ नहीं करना. तो देखो किसी सवाल में तो अगर इंटरसेप्ट आप निकाल सकते हो, बहुत आसानी तरीका है. एक्स इंटरसेप्ट निकालने का तरीका क्या होगा कि वाई की जगह पे जीरो पुट कर दो, आपके पास सॉल्व करना एक्स इंटरसेप्ट आ जाएंगे. लेकिन इस वाले एग्जांपल में एक्स इंटरसेप्ट नहीं आ रहे, अब क्या करोगे आप, ठीक है. तो दैट्स व्हाई मैं एक जनरलाइज मेथड बता रहा हूँ. ये आप मेथड जरूरी नहीं है लेकिन मैक्सिमम सवालों में काफी फायदेमंद होगा, ठीक है, खासतौर पर इन सवालों में जिसमें कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं है. अच्छा आप या हाँ ज्यादातर वही फायदा होगा. अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है उस तरह तो खैर उसमें भी आपने करना पड़ेगा, लेकिन एक आसानी है कि आप क्या करो, ये है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, आप क्या करो इसकी कंप्यूटिंग स्क्वायर करो. कंप्यूटिंग स्क्वायर का मेथड जो है वो मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों को बताया होगा. कंप्यूटिंग स्क्वायर का मेथड अगर नहीं बताया तो सुन लो. कंप्यूटिंग स्क्वायर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है, और फिलहाल हम कॉन्स्टेंट की टर्म को साइड पर कर देते हैं, इसको 5 को साइड पर रखते हैं, ठीक है. अब आप देखोगे जो x के साथ लिखा हुआ है, x के साथ 4 लिखा हुआ है, 4 को 2 से डिवाइड करो, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा. आप क्या करो 2 का स्क्वायर ऐड करवा दो, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करवा दो. ये करने के बाद ये शुरू की तीन टर्म जो है ये आपका फॉर्मूला बना देंगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और पीछे क्या बचेगा -2 का स्क्वायर मतलब -4 -4 + 5 + 1. तो ये आपकी जो इक्वेशन है ना ये कन्वर्ट हो गई वर्टेक्स फॉर्म में जो लास्ट क्लास में मैंने बताई थी. तो डायरेक्ट आपके पास यहां से वर्टेक्स आ जाएगा, वर्टेक्स
होगा -2.1, लास्ट क्लास में डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, ये वर्टेक्स आ गया, ठीक है। वर्टेक्स की जो एक्स वैल्यू है ना, ये है x = -2, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसको आप कहते हो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अगर ये चीज आपको मिल गई है ना, उसके बाद आप टी टेबल बना के आसानी से अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हो। वर्टेक्स निकालना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही थी तो आप इस तरह सॉल्व करके जस्ट वर्टेक्स निकाल लो। अगर इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मिडिल टर्म ब्रेक करके एक्स इंटरसेप्ट जब निकाल रहे हो तो दो एक्स इंटरसेप्ट आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद वाई इंटरसेप्ट भी आप निकाल सकते हो। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे, एक्स की जगह 0 पुट करो। अगर एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये आपके पास क्या आ गया, वाई इंटरसेप्ट आ गया। तो अगर एक्स इंटरसेप्ट निकल सकते थे तो वही काम करके आप एक्स इंटरसेप्ट भी निकाल लेते, तो 4 पॉइंट आपके पास आ जाते। ये हमारे वाले केस में 2 पॉइंट्स आ गए, कोई मसला नहीं है। अच्छा बिलफर्ज, अगर आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक हो रही हो ना, तो फिर आपको इस तरह कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो ये मैं जनरलाइज बात बता रहा हूँ, ये जब सवाल में कुछ ना लिखा हो, जस्ट बोला जाए कि ड्रॉ करो, तो डिफरेंट मेथड से आप ड्रॉ कर सकते हो। बिलफर्ज, अगर ये मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है और आपने मिडिल टर्म ब्रेक करके एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल लिए, ठीक है, तो वर्टेक्स निकालने के लिए क्या दोबारा इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जरूरी नहीं है। वर्टेक्स निकालने का एक आसान तरीका भी होता है कि बिलफर्ज, अगर मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहा, जो कि बहुत ईजी है, लेकिन अगर मैं इसको नहीं कन्वर्ट करना चाह रहा, तो जस्ट आप ये चीज मालूम कर लो, x = -b/2 है। चलो इसको भी छोड़ो, इससे वैसे इससे ये एक्स वैल्यू आ जाएगी अगर आप सॉल्व करो, और पुट करके वाई वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। इस तरह भी वर्टेक्स आ सकता है, मतलब ये बी है यहाँ पे 4, 2 ए यहाँ पे 1 था, तो हो जाएगा -4/2, मतलब -2। -2 को आप इसके अंदर पुट करना, आंसर आपको 1 मिल जाएगा। तो इस तरह भी वर्टेक्स निकाल सकते हो। एक और तरीका वर्टेक्स निकालने का, कि जो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट आए होंगे ना, उन दोनों एक्स इंटरसेप्ट को ऐड करना। फॉर एग्जांपल, जब आप एक्स इंटरसेप्ट निकालते हो, एज्यूम कर लो एक एक्स इंटरसेप्ट आया 2, एक आया 3, तो आप क्या करो, आप 2 और 3 को ऐड करना, डिवाइडेड बाय 2 कर देना, तो 2 + 3 = 5, 5/2 क्या हो जाएगा 2.5, तो ये हो जाएगा x = 2.5। इस 2.5 को यहाँ पे पुट करना, आपको y वैल्यू मिल जाएगी, अगेन आपके पास वर्टेक्स आ जाएगा। तो वर्टेक्स निकालने के 3 तरीके बताए, या तो वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और लास्ट क्लास में बताया था किस तरीके से वर्टेक्स निकालना है, या आप x = -b/2a निकालो, जो x की वैल्यू है, ये वर्टेक्स की x वैल्यू मिल जाएगी। y वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके अंदर पुट करना, तो y आपके पास आ जाएगा। या तीसरा तरीका क्या है, कि अगर आपने x इंटरसेप्ट वहां पे मौजूद है, मतलब x इंटरसेप्ट अगर पैराबोला में है और आप आसानी से निकाल सकते हो मिडिल टर्म ब्रेक करके, तो जो एक्स इंटरसेप्ट आपके पास आए होंगे उनको ऐड करना, डिवाइड बाय 2 करना, जो वैल्यू आएगी वो एक्स की आ रही होगी, ये एक्स की वैल्यू आ रही होगी, इसको यहाँ पे पुट करना, तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये तीनों तरीके से आप कर सकते हो, जो आपको सूटेबल होता है उससे आप कर लेते हो। बहरहाल, वर्टेक्स यहाँ पे आपको बेसिकली 2 पॉइंट मिले हैं, एक पॉइंट ये है, और वाई इंटरसेप्ट को पॉइंट की फॉर्म में आप इस तरह लिखोगे कि एक्स वैल्यू 0 है और वाई वैल्यू 5 है, वाई इंटरसेप्ट को आप इस तरह लिखते हो। अब आपने जब इनको ड्रॉ करना है, तो आपने क्या करना है कि भाई फॉर एग्जांपल -2.1 पॉइंट को एज्यूम कर लो ग्राफ के अंदर यहाँ पे कहीं आ रहा है -2.1, इस पॉइंट पे आपने एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनानी है, मतलब एक वर्टिकल लाइन बनानी है। आपका पैराबोला जो है ना, वो इसके अराउंड इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये आपको पता, अच्छा इस तरह वाई इंटरसेप्ट भी आपको पता है, 2 पॉइंट तो आपको पता है, आपने ये आसानी से बना सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अराउंड पॉइंट लेना है, जैसे ये वैल्यू -2 थी ना, अब आपने -2 से पीछे 2-3 वैल्यूज देनी है, -2 से आगे 2-3 वैल्यूज देनी है, और उन 2-3 पॉइंट्स को आपने ड्रॉ करके आसानी से पैराबोला बना देना है। ये वो तरीका है जिसके तहत आप पैराबोला बना रहे होगे। अच्छा मैं यहाँ पे पैराबोला बना नहीं रहा, मतलब ये सवाल मैंने आप लोगों को समझाया है, यहाँ पे बना नहीं रहा, क्योंकि एग्जैक्ट ये काम आपको करना है 8.4 के अंदर। 8.4 के अंदर ये सवाल है ना, कि जिसमें आपको लीनियर और पैराबोला को सॉल्व करना है, तो ये काम मैं यहाँ पे करूंगा, एक दफा आपको पैराबोला बना के दिखा दूंगा, तो ये ऑलरेडी 8.4 में आपका कवर हो जाएगा काम, सही है। तो ये इस एक काम करते हैं, पहले 8.4 का सवाल कर लेते हैं, साथ साथ हमारी 8.4 भी कंप्लीट हो जाएगी, ये टॉपिक भी हमारा वाइंड अप हो जाएगा। 8.4 में और कोई टॉपिक नहीं है, ग्राफ के ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं आपने। एक तो होता है ना अलजेब्रिकली तरीका, कि यार दो इक्वेशन को, जैसे दो स्ट्रेट लाइन को एक साथ सॉल्व कर रहे हो आप, एक तो वो तरीका होता है। एक तरीका ये होता है कि आप उनके दोनों के ग्राफ बनाओ और देखो ग्राफ पे वो दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से निकाल लो। तो सवालों में यही है, पहले सवाल को फिलहाल छोड़ दो। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिकली, देखो दोनों स्ट्रेट लाइन है, इनको तो सॉल्व करने की भी आपको जरूरत नहीं है, बहुत आसान है कि दोनों स्ट्रेट लाइन को आप ड्रॉ करोगे, दोनों के तरीके आपको पता है किस तरह ड्रॉ करना है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। 3 में आपको क्या बोला हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक पैराबोला है, इनको ड्रॉ करोगे तो पॉइंट आ जाएगा। 4 में वही है, कोई कंडीशन में फर्क नहीं है, बस बोला हुआ है कि दो एरोप्लेन है, एक जिस रास्ते पे जा रहा है उसकी इक्वेशन ये, दूसरे की इक्वेशन है, ग्राफिकली फाइंड द पॉइंट वेयर टू पाथ क्रॉस ईच अदर, मतलब वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने, अगेन इन दोनों स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करोगे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट आ जाएगा, कोई नई बात नहीं है। 5 में आपको क्या बोला हुआ है, इक्वेशन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लिखा हुआ इफ सम ऑफ टू नंबर इज 6, एज्यूम कर लो दो नंबर है जिनका सम 6 के बराबर है, तो एक इक्वेशन ये है।
एंड द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, एज्यूम कर लो जो स्क्वायर है फर्स्ट नंबर का वो ग्रेटर है, ग्रेटर देन 6 बाय द सेकंड नंबर. फॉर एग्जांपल जो एक्स स्क्वायर है, पहले नंबर का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर है 6, मतलब 6 यूनिट ग्रेटर है दूसरे नंबर के कंपैरिजन में. तो ये पहला वाला नंबर है, एज्यूम कर लो x पहला नंबर है, इसका स्क्वायर जो है ये ग्रेटर है दूसरे नंबर से बाय 6 यूनिट, मतलब 6 यूनिट ज्यादा है दूसरे वाले नंबर से. ये दो इक्वेशन आपको सवाल में गिवन है, आप इससे y की वैल्यू निकालो, y आ जाएगा 6 माइनस एक्स, यहां से y निकालो, y आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. अगेन एक लीनियर है आपके पास, इसको ड्रॉ करने का तरीका आपको पता है, एक वही क्वाड्रेटिक है, इसको ड्रॉ भी करने का तरीका देख लेंगे. तो अगेन इस सवाल में भी आपने क्या करना है, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा. तो मैं काम कर रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर, फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 2 करवा दूंगा, इसमें पैराबोला भी थोड़ा बड़ा है, इनमें हम जब सीख लेंगे तो मेरे ख्याल में इस एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपने ग्राफ बनाना सीखा है तो कोई इशू नहीं होगा. तो पहले हमें काम करते हैं 8.4 में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 ट्राई कर लेते हैं. तो आज आप बच्चों ड्रॉ करते हैं इसको. सबसे पहले आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, इसमें आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4, एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिख सकते हो, ठीक है, एक कर्व तो आपके पास ये है. दूसरा है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10. ये दो कर्व आपको सवाल में गिवन है, दोनों के आपने अलग अलग टेबल बनाने, प्रॉपर टेबल बनाना मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सस्ता टेबल बना लेता हूँ. सबसे पहले हम लीनियर की बात करते हैं, लीनियर कौन सा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4. अब इसको कैसे ड्रॉ करना है, बहुत आसान तरीका है, इसके लिए मैं चार ही पॉइंट पिक करवाऊंगा आप लोगों को, वैसे तो दो पॉइंट भी काफी होंगे इसके अंदर, लेकिन चलो हम चार पॉइंट पिक कर लेते हैं यहाँ पे. तो ये x वैल्यू, ये y वैल्यू, दरमियान में लाइन बना देना, ठीक है. अच्छा, आप कुछ x नेगेटिव ले लो, माइनस 3 फॉर एग्जांपल, एक x माइनस 1 ले लेते हैं, एक हम 1 ले लेते हैं, एक हम 3 ले लेते हैं, काफ़ी हैं ये सारे पॉइंट भी. तो माइनस 3 आप यहाँ पे पुट करोगे आंसर 1 आएगा, माइनस 1 पुट करोगे आंसर 3 आएगा, 1 पुट करोगे तो आंसर आपको 5 मिलेगा, और अगर 3 पुट करोगे आंसर 7 मिलेगा. तो इसको तो ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है. बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है उसको कैसे ड्रॉ करना है. तो क्वाड्रेटिक है y is equal to x square minus 6x plus 10. सबसे पहले देखो, मैं तो ये कहूंगा कि यार इसके अगर x इंटरसेप्ट आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने अगर x इंटरसेप्ट आएंगे दो एक्स्ट्रा पॉइंट आपके पास आ जाएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं इतनी पड़ेगी. तो क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, 10 के अगर आप फैक्टर बनाओ, 10 के क्या फैक्टर बनेगा, 5 into 2, जो काम का है, बाकी तो फालतू है ना, 10 into 1 का तो बनाने का फायदा ही नहीं है कोई. इसका मतलब मिडिल टर्म ब्रेक यहाँ पे नहीं हो सकती. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मे बी इसके एक्स इंटरसेप्ट आ रहे हो लेकिन वो एक्स इंटरसेप्ट थोड़े इरेशनल हो या वो डिफरेंट हो, जो आप मिडिल टर्म ब्रेक से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप इग्नोर कर दो, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. आप यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे वर्टेक्स निकाल लो. वर्टेक्स निकालने का तरीका मैंने बताया था आप लोगों को कि वर्टेक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो. कैसे, आप 10 को फिलहाल इग्नोर कर दो, ब्रैकेट लगाने की खैर जरूरत नहीं है यहाँ पे. अगर 2x² के साथ कोई नंबर लिखा होता है तो आप उसको कॉमन ले लेते. मैंने पहले बताया कंप्लीटिंग स्क्वायर की टेक्निक में क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होता है उस चीज़ को आप कॉमन ले लेते हो. अगर 2 लिखा होता है तो आप शुरू की दो टर्म में से ना 2 को कॉमन ले लेते और फिर जो अंदर ब्रैकेट में बचा हुआ है उनमें आप जो ये जो टेक्निक है ना ये कर लोगे आप. क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सवाल होता है 2x² माइनस 6x प्लस 10, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे शुरू की दो टर्म में से 2 कॉमन ले लेते हैं, आखिरी वैल्यू को एजरेज रहने देते हैं. अब आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x पे वही टेक्निक लगाते कि जो x के साथ लिखा हुआ है उसको 2 से डिवाइड करो. x के साथ माइनस 6 लिखा हुआ है, माइनस 6 को 2 से डिवाइड करोगे माइनस 3 आएगा. माइनस 3 का स्क्वायर ऐड करवाओ, माइनस 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करवाओ, ठीक है. यहाँ पे आप क्या करते हैं, एग्जैक्ट वही कि यहाँ पे माइनस 3 है, माइनस 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस 3/2 होगा. माइनस 3/2 का स्क्वायर होगा 9/4, ऐड करवाओ और उसको सब्ट्रैक्ट करवाओ, ये सिचुएशन यहाँ बन जाती. फिर वही शुरू के 3 पे आप वो फॉर्मूला लगा देते. इस पे फॉर्मूला क्या लगता, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर. तो आराम से आपके पास वर्टेक्स आ जाता है. इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर देते, मतलब ये 2 जो है ये इसके साथ भी आएगा और ये 2 को अगर माइनस 9/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 9/2 प्लस 10 हो जाएगा. 2 को 10 से करोगे 20 माइनस 9 क्या हो जाएगा, सिंपल 11/2. तो इस पूरी चीज़ की जगह इसको फाइनल इस तरह आप लिखते, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/2. तो बात वही है, वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, आपका वर्टेक्स यहाँ पे आता 3/2 11/2, वर्टेक्स आ गया ये. तो कहने का मतलब अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ आ रहा है तो आप उसको कॉमन ले लोगे, ये बताना चाह रहा हूँ मैं. तो बहरहाल इसको कैसे सॉल्व करोगे, शुरू के 3 टर्म जो है फॉर्मूला बना रही है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 10 1 के बराबर होता है, ये आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद डायरेक्ट आप वर्टेक्स निकाल सकते हो, वर्टेक्स आएगा. अगर आप चाहो तो ऊपर लिख दोगे कंपेयर विद जनरल फॉर्म,
ये जनरल फॉर्म होती है वर्टेक्स फॉर्म की। तो यहाँ पे अगर आप देखो एच जो है वो एग्जैक्ट 3 आ रहा है और के जो है वो 1 आ रहा है, ये वर्टेक्स आ गया। इसके आगे आप मेंशन करोगे x इज इक्वल टू 3 जो है ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये मेंशन करने के बाद नीचे तो मैंने कचरा कर दिया, आप लोगों ने यहाँ पे टेबल बनाना है, ठीक है। अब देखो आपको अभी सिर्फ अच्छा y इंटरसेप्ट भी निकालना है, इसके बाद आप लिखना कि y इंटरसेप्ट कैसे आएगा। आप इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट कर देना, तो x की जगह 0 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो ये आपका y इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। अच्छा जी, y इंटरसेप्ट आने के बाद देखो अभी आपको बेसिकली दो ही पॉइंट पता है, 0,10 और 3,1। तो अब ये जो है ना x इज इक्वल टू 3, ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। अब इसके अराउंड आपने पॉइंट्स पिक करने हैं। अब इसके अराउंड पॉइंट कैसे पिक करोगे आप, देखो 3 के लेफ्ट के ऊपर एक पॉइंट है जिसमें x वैल्यू 0 है, वो आपको पता है, तो आप लेफ्ट के ऊपर दो पॉइंट और पिक कर लो। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट पिक कर लेता हूँ, एक काम करते हैं टी टेबल बाद में बनाते हैं, हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं और जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिली अभी इसको ड्रॉ कर लो, फिर आप टी टेबल बाद में बनाते रहना। किसने मना करना है आपको कि यार टाइम नहीं है आपके पास। तो कहाँ गई मेरी पेंसिल, ये रही पेंसिल भाई। अच्छा जी, अगेन रूल वही है। अब देखो यहाँ पे जो पैराबोला बनेगा मुझे दिखने में लग रहा है x इज इक्वल टू 3 एक लाइन होगी जिस पे पैराबोला बन रहा होगा। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 3 को लाइन को साइड पे कर दूंगा तो पैराबोला को जिस तरह साइड पे बन रहा होगा मजा नहीं आएगा। कोशिश करो x इज इक्वल टू 3 के दरमियान में लाइन हो के, तो आसानी से पैराबोला दोनों तरफ में बना दूंगा उसको। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो y एक्सिस जो है वो दरमियान में नहीं करूंगा, क्योंकि अगर y एक्सिस दरमियान में x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे होगा तो पैराबोला इधर बन रहा होगा। बस मैंने वही बताया था, कोशिश हो पैराबोला ज्यादा ऐसे पे बने, तो मैं थोड़ा बाइस्ड होता हूँ, मैं y एक्सिस को थोड़ा साइड पे बनाता हूँ, बहुत ज्यादा साइड पे भी नहीं लेके जाते, यहाँ पे हम बना लेते हैं, ठीक है। और अब x एक्सिस कहाँ पे बनाएंगे उस पर भी जरा हम आ जाते हैं, एक सेकंड, पहले y एक्सिस बना लो। ये आपका y एक्सिस बन गया। अब रही बात इस सवाल में, अगर आप ऑब्जर्व करो इसके जरा रूट्स निकालते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कैलकुलेटर के बगैर सारे काम हो रहे हैं, वरना कैलकुलेटर से काफी आसानी हो जाती है। बी यहाँ पे क्या, माइनस 6 माइनस इसका स्क्वायर 36 माइनस 4ac, तो 4 को 10 से करो ये 40, तो 36 माइनस 40 माइनस 4 आ रहा है, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। इमेजिनरी रूट का मतलब कि ये कभी भी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, ये एक्स एक्सिस का हमेशा ऊपर रहेगा। तो हम काम करेंगे एक्स एक्सिस को नीचे बनाते हैं, कि फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस यहाँ पे, तो कहीं आपका यहाँ से पैराबोला स्टार्ट हो रहा होगा इस पूरे रीजन में, कहीं पैराबोला पूरा बन रहा होगा, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस को यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर कोई नीचे ले लेगा या कोई थोड़ा ऊपर ले लेगा तो ये नहीं बोलना कि सब नंबर कटेंगे नहीं करेंगे, ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिसपे शायद कोई नंबर ना काटे, लेकिन अगर ये बातें जहन में रखोगे तो ग्राफ आपका काफी खूबसूरत सा बन रहा होगा। तो ये मैंने एक्स एक्सिस दे दिया यहाँ पे। अच्छा जी, अब रही बात कि आपने किस वाले पॉइंट को क्या लेना है, ये स्केलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्केल भी हम ऊपर मेंशन करते हैं, स्केल क्या होगा, सबसे पहले ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं ऑन वाई एक्सिस। अब स्केलिंग सेलेक्ट करते हुए ना, अगर आप देखो फॉर एग्जांपल ये 3 यहाँ पे, तो मैं 1, 2, 3 अगर यहाँ पे लूंगा तो ये मेरे पास लाइन आएगी। अब इसके अबाउट अगर आप देखो तो मैं आसानी से ड्रॉ कर तो सकता हूँ। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, तो अगर ये 1 है तो 3 पॉइंट के यहाँ पे होगा, ये वर्टेक्स होगा इसका, ठीक है। और अब देखो अगर मैं वाई एक्सिस पे यहाँ पे 1 ले लेता हूँ तो 10 इसका बहुत दूर है, क्योंकि 10 पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो 10 आने में देर लगेगी काफी। तो मैं वाई एक्सिस पे स्केलिंग कम करूंगा, मैं 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह कर लूंगा, 12 इस टाइप का चला जाऊंगा, तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो अब ये देखो ये टोटली अब सवाल पे डिपेंड करता है, सवाल पे क्या ले रहा हूँ मैं, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, कोई मसला नहीं है, इधर आ जाएगा इस तरह। लेकिन आप बिल्कुल कोने पे भी नहीं कर सकते, यहाँ पे वो पॉइंट आ गया तो मसला हो जाएगा। एक काम करता हूँ, 3 हम इस तरीके से करते हैं कि अगर हम 3 यहाँ पे ले लेंगे तो आई गेस 3 तकरीबन यहाँ पे हो तो मजा आएगा आपको, ठीक है। आप स्केलिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर आप इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, तो 3 तकरीबन यहाँ पे होगा, ये पहला पॉइंट आपका ड्रॉ हो रहा होगा जो कि ऑलमोस्ट सेंटर में ही होगा, तकरीबन आसानी हो जाएगी आपको इसमें। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, मुझे जो आसान लगता है ना वो ये है कि मैं जो 5 बॉक्सेस है ना उसको 1 के बराबर लूँ, ये 1 है, ये 2 है, इसी तरीके से दरमियान में 3 आ जाएगा, ये 4 होगा, ये 5 है, ये 6 है, 7, 8, 9, 10, सही है। एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस पे करना चाहो कर लो, क्योंकि हमने 3 से स्टार्ट करना है, वर्टेक्स 3 में, तो 3 से ये 3 है ना, तो 2, 1 ये 0 हो जाएगा, फिर ये -1 है, फिर ये -2 है, और फिर ये -3 है, तो -3 तक जाएंगे, तो 3 से 6 यूनिट इधर और 3 से 6 यूनिट इधर, ताकि 9 तक भी आप कर लो काफी है, ताकि हम सिमेट्री रखें ना, कि हमारा पैराबोला जो ये नहीं एक तरफ से है एक तरफ से अजीब सा हुआ है, सिमेट्री रखते हैं। यहाँ पे 3 के बाद 6 पॉइंट, यहाँ पे 3 से पहले जो है वो आपने तकरीबन 6 पॉइंट पिक कर लिए। तो ये 3 है जहां पे आपका वर्टेक्स है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6
9 तक ही हम जाएंगे, 9 से ऊपर नहीं हम जा रहे होंगे। अब जो आप टेबल बनाओगे ना, आपने उसको एक्यूरेटली ना डिवाइड करना है 3 के अराउंड। ये 3 है, ये लाइन आप बाद में मिटा देना। ये मैं x = 3 पे ना एक लाइन बना रहा हूँ, ये लाइन है एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बेहतर है इसको बाद में मिटा देना, क्योंकि ये पैराबोला ग्राफ में होती नहीं है तो कंफ्यूजन हो सकती है। रही बात कि यार अब आपने y के हिसाब से बनाना है, अब x वैल्यूज आपने डिसाइड कर लिया, आप एक काम करना, सबसे पहले x t टेबल यहां पे बनाना, और t टेबल में अगर आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, ये x लेना यहां पे, ये y ले लेना। अच्छा, आप एक टेक्निक ये भी कर सकते हो कि इवनली स्पेस कर दो। अब देखो डिफरेंट चीजें मेरे ध्यान में आ रही है, मैंने असल में लेक्चर बनाया नहीं, जब मैं लेक्चर बनाता हूँ तो मुझे पता होता है किस ऑर्गेनाइजेशन से मैंने जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है असल में। जैसे 3 है ना, अब देखो 3 की 2 यूनिट आपने यहाँ पे लिया था, 3 का 2 यूनिट यहाँ पे, फिर आपने यहाँ पे 0 लिया है, तो आप एक काम करो, आप 7 ना लो, आप यहाँ पे 6 ले लो। 6 से आपको आसानी क्या होगी, जो 0 पे वैल्यू है ना वही 6 पे वैल्यू होगी, आप पुट करके भी देख सकते हो। 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 10, तो देखो 10 मिल रही है 6 पे आपको। इसे जो आपको 8 पे मिली है वही आपको माइनस 2 पे मिलेगी। इवनली स्पेस होंगे तो आप आसानी से ड्रॉ कर दोगे, ये काम कर लो, ये और अच्छा है। अच्छा, 3 पे आपको आंसर 1 मिल रहा है, तो अब देखो आपका जो y है वो 26 तक जा रहा है, आपने ऐसी मार्किंग करनी है कि 26 तक जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 5 ले लूँ, 10, 15, 20, 25, 30, तो आई गेस अच्छा रहेगा, ये वैल्यूज मजा देंगे। अगर मैं ऊपर तक लेके जाना चाहूँ तो लेके जा सकता हूँ, लेकिन स्केलिंग थोड़ी सी हो सकती है। अगर मैं इस पूरे बॉक्स को फॉर एग्जाम्पल 4 के बराबर लूँ, फिर ये 8 हो जाएगा, 12, 16, 20, 24 और 28, ये अच्छा रहेगा, 28 तक जा रहे हैं। हाँ, ये इस तरह कर लेते हैं, हम काम करते हैं इसको 4 ले लेते हैं, ठीक है, ये 12 हो जाएगा, सॉरी ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये 12 हो जाएगा, ये जो है इसको 16 कर दो, ये 20 हो गया, ये 24 हो गया और ये 28 हो गया, 26 मैक्सिमम है। तो देखो अब मेरा ग्राफ जो है वो इवनली स्पेस होगा पूरा। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट, अच्छा ये 4 है तो अब इसको डिवाइड कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल ये दरमियान वाला 2 हो जाएगा, अब 2 को आपने डिवाइड करना है, 5 हिस्से हैं, तो अब 2 को आपने 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, कैलकुलेटर जिंदाबाद, आप खुद ही जान जाओगे एक हिस्सा कितने का है। 2 डिवाइड बाय 5 0.4, इसका मतलब एक जो छोटा सा बॉक्स है ना वो 0.4 का है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो स्केलिंग में कि 5 स्मॉल बॉक्स किसके बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है, और ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस की मैं बात करूं तो वाई एक्सिस पे आप ये कह सकते हो, डिफरेंट अंदाज में लिख सकते हो, 5 स्मॉल बॉक्स 2 के बराबर है, आप इस तरह भी लिख सकते हो, 5 स्मॉल बॉक्स जो है वो यहाँ पे 2 के बराबर है। जैसे यहाँ पे ये पूरी चीज किसके बराबर, 1 के बराबर ली थी ना, तो यहाँ पे पूरी चीज 2 के बराबर है, ठीक है। तो 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 है, यहाँ पे 5 स्मॉल बॉक्सेस 2 के बराबर है, और एक छोटा सा बॉक्स जो है वो 0.4 का है, और यहाँ पे छोटा सा बॉक्स जो है वो 0.2 का है। आप इस तरह भी लिख सकते हो, 1 स्मॉल बॉक्स x एक्सिस पे 0.2 के बराबर है, और 1 स्मॉल बॉक्स y एक्सिस पे 0.4 के बराबर है, इस तरह भी आप लिख सकते हो। स्केल लिखने का डिफरेंट तरीका है आपका। अच्छा जी, ये करने के बाद अब आ जाओ ड्रॉ करने के ऊपर। सबसे पहले आप ड्रॉ करो, पहला पॉइंट वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, 3, 1, ये 3 है और 1 आपका कहाँ पे होगा, देखो 1, 2 बिल्कुल दरमियान में 1 होगा यहाँ पे, तो सेकंड लाइन के दरमियान में, तो ये 1, 2 यहाँ पे एक पॉइंट होगा दरमियान में, तो सबसे पहले इसको आपने मेंशन कर लिया। अब देखो मैंने रेंडमली स्केलिंग की भी है, तो ये 1 दरमियान में आ गया, कुछ ऐसी स्केलिंग में भी आपको मिल सकता है, अगर कोई यहाँ पे 5 ले लेगा तो फिर 1 उसके लिए आसान हो जाएगा, मतलब ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, हाँ अगर मैं यहाँ पे 5 लूँगा, इस जगह पे 5, 10 करूँगा, तो यहाँ पे 2 बॉक्स जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस तरह भी आप कर सकते हो। मेरे काम करो, आप स्केलिंग ना इसकी 5 की कर लो, वरना कन्फ्यूजन हो रही है यहाँ पे, और इससे नुकसान ही होगा कि आप ना सही तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको 5 पे ले लेते हैं, लाइक इसको आपने ले लिया 5 है, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, 20, 25, 30 हो गया, इतना भी कवर हो रहा है, काफ़ी है, इतना भी हमारा छोटा ग्राफ नहीं बनेगा। तो आप लिख सकते हो ऑन इसमें स्मॉल बॉक्सेस, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपके 10 स्मॉल बॉक्स हैं वो यहाँ पे 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 स्मॉल बॉक्स रिप्रेजेंट 5। जब इसको इस तरह भी कह सकते हो कि जो 2 बॉक्स हैं वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 स्मॉल बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, आप इस तरह मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब ये 3, 1 थोड़ा सा नीचे होगा इससे, y एक्सिस पे अगर आप आओ तो y एक्सिस पे जो 2 लाइन है ना आपकी, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो अब आपका थोड़ा सा पॉइंट नीचे आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है 1, 5, ये 1 है और 5 यहाँ पे, देखो पॉइंट के मुताबिक आपने चलना है। 5 पॉइंट था तो मैंने कहा आसानी हो जाएगी, 10 पॉइंट आसानी हो जाएगी, मसला नहीं होगा आपको। अच्छा, फिर है 5, 5, यहाँ पे 5 है
ये 4 है, ये 5 है, तो 5.5 भी यहाँ पे होगा, तो ये देखो ये 2 पॉइंट आ गया। उसके बाद क्या है 6.10, 6 कहाँ पे होगा, ये 6 है, और 10 कहाँ पे होगा, ये 10 है। देखो आसानी होगी ना हमें इस वाले स्केलिंग में, 6.10 और 0.10, ये 0 है और 10 यहाँ पे, तो 1 पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर एक है 8.26, ये 6 था, 8 यहाँ पे आएगा, तो ये 8 है और 26 कहाँ पे होगा, देखो ये 25 है एग्जैक्टली, ये वाला पॉइंट है 8.25, तो 2 यूनिट 26 को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे, तो ये 8.26 हो गया। यहाँ पे होगा -2.26, ये -2 था, -2 पे आना है और यहाँ पे आप ड्रॉ कर दोगे। तो अब अगर आप देखो आपको थोड़े पॉइंट्स मिल गए, आप एक पैराबोला आसानी से स्मूथ सा आपने ड्रॉ करना है। अब अगेन ये ड्रॉ करने वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास एंगल बड़ा ख़राब है इसका, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ड्रॉ कैसे करूँ इसको। चलो इस तरह कुछ देखते हैं, आपने इन पॉइंट्स को ना आपस में मिलाना है, तो इस तरीके से हम करते हैं। आपने ना थोड़ा स्मूथ सा बनाना, नीचे पॉइंट नहीं बना देना कि एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स को ना थोड़ा आपने ध्यान से बनाना है, पॉइंटी सा ना बना देना। मेरा भी देखो थोड़ा पॉइंटी सा बना है, 19-20 का फर्क होगा तो कोई आपके नंबर नहीं काटेगा इसके ऊपर। अब यहाँ पे काम करना कि यहाँ पे एक पॉइंट पिक कर लेना, ये आपने 8.26 पे किया ना, 7 पे पिक कर लो तो बेहतर है। यहाँ पे ना एक काम करना क्योंकि ग्राफ में देखो ये वाला ऐसा काफी खाली है, तो अब यहाँ पे पिक करना 7 पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे आप पिक करना -1, आसानी हो जाएगी। -1 पे क्या वैल्यू मिल रही है, -1 पुट करोगे तो -1 से आपको आंसर मिलेगा -1, यहाँ पे पुट करोगे +6 +10, तो आंसर आपको मिल रहा है 15, यहाँ पे 15 मिल रहा है। इसी तरह 7 पुट करोगे, 7 से 15 ही मिलेगा मेरे ख्याल में, 49 42, अगर आप 7 वैसे मैंने पुट किया हुआ था यहाँ पे, तो आपको आंसर क्या मिल रहा था यहाँ पे, 7 प्लस 17 मिल रहा था 7 पे, तो यहाँ पे भी आपको 17 मिलना चाहिए। फिर -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, 17 मिल रहा है। देखो ज़रा मेरी हालत क्या हुई है, तो ये 2 मज़ीद पॉइंट आप पिक कर लो यहाँ पे, तो 17 अब कहाँ पे होगा, ये -1 है तो 17 कहीं होगा, ये 15 है, 15 के बाद 2 यूनिट हो जाएंगे 16 के, ये 17 है। तो वैसे देखो अगर आप ग्राफ देखो एग्जैक्ट आपका सेम जगह पे ही है, ये -1 17 था, तो मैंने तकरीबन सेम ही बनाया उसको। इसी तरीके से यहाँ तो गलती नहीं की गई, 7 कहाँ पे, ये 8 है तो ये 7 होगा, ये पूरा ना मेंशन कर देना, 7.17 कहाँ पे आएगा, 17 है तकरीबन यहाँ पे, हाँ, तो देखो यहाँ पे भी तकरीबन मैंने ग्राफ सही बनाया बिल्कुल, तो ये मैंने एक्यूरेट चीज़ बनाई हुई है पूरी। ये आपका पूरा पैराबोला बन गया, एंड पे इसको थोड़ा पेंसिल से मिटा के ना आप स्मूथ भी ला सकते हो, यहाँ पे जो करीब वाली जगह है ना यहाँ पे कोशिश करना कोई पीक ना निकली हुई हो, स्मूथ सा हो बिल्कुल, इस तरीके से एक आराम से कर्व आ रहा हो, तो इस तरह आपका पैराबोला बन गया। अच्छा सवाल में से पैराबोला नहीं बनाना था आपको, स्ट्रेट लाइन भी बनानी थी, स्ट्रेट लाइन है x+4, ठीक है। अब इसकी स्केलिंग आपने जाहिर सी बात है एक ही ग्राफ है उसी की स्केलिंग आप यहाँ पे यूज़ करोगे। अब इसको कैसे ड्रॉ करोगे, -3 पे आपको 1 वैल्यू मिल रही है। अच्छा जब दो ग्राफ आप बना रहे हो ना, तो जैसे इसको आपने सर्किल किया ना उसको आप रेक्टेंगल बना देना। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन की बात करो तो -3 कहाँ वैल्यू है, ये -3 है, ठीक है, -3 पे आपको 1 मिल रहा है, 1 कहाँ पे होगा, 2 यूनिट ऊपर, तो ये -3 पे आपको 1 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने रेक्टेंगल बना दिया। फिर -1 पे आपको मिल रहा है 3, तो 3 कहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, तो ये आपने एक यहाँ पे बना दिया। फिर 1 पे आपको मिल रहा है 5, ये 1 है और 5 यहाँ पे, देखो ये पॉइंट तो कॉमन है, अभी से आपको पता चल गया इनका इंटरसेक्शन क्या है, और एक है 3.7, 3 कहाँ पे, ये 3 है और 7 आपका कहाँ पे आएगा, ये 5 है ना, तो तकरीबन 7 आपका यहाँ तक आएगा, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट लाइन के लिए आपको 2 पॉइंट ही पता हो तो वो आपके डायग्राम काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे तो चलो 4 पॉइंट हमने लिए हैं और इनको आपस में ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी, बस थोड़ा तमीज़ से ज्वाइन करना सबको। एक सेकेंड स्केल थोड़ा आगे कर लेते हैं, हाँ, ये जैसे ही आपको एक लाइन परफेक्ट लाइन में मिल जाए ना सारे पॉइंट, और आप अपना जो स्ट्रेट लाइन है उसको ड्रॉ कर देना, ये आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। आपको निकालना था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ग्राफ में दिखने में लग रहा है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ रहा है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ रहा है इनका, ठीक है। अगर आपने एक्यूरेट डायग्राम देखो बनाइए, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो ग्राफ से अगर आप देखोगे यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट था 1.5, और ये कौन सा पॉइंट था, बल्कि ये एक पॉइंट हमने ड्रॉ किया था, ये था 6.10 था, 6.10, हाँ 6.10,
तो बच्चों ये वो दो पॉइंट है जिसपे आपका ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली यही किस्म का यहाँ पे भी होता था कि आपके पास एक पैराबोला है, एक स्ट्रेट लाइन है, इन दो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही होती थी। तो इसी तरीके से आप मेंशन करोगे, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि किधर है, तो ग्राफ ऑफ द अबव टू फ्रॉम द ग्राफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन आर, जो भी दो पॉइंट्स आएंगे वो आप इस तरह मेंशन कर दोगे, ग्राफ आपका कंप्लीट। बस एक काम करना, जो बुक ने ग्राफ ड्रॉ किया है मैंने पहले भी बताया था, पॉइंट भी मेंशन कर देना सब पॉइंट्स के ना, यहाँ पे लिख देना कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट सब मेंशन कर देना है यहाँ पे, सही है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने सॉल्व करना है। अब इसी एक एग्जांपल में मैंने आपको स्ट्रेट लाइन का भी बता दिया कैसे ड्रॉ करना है, आपको पैराबोला का भी बता दिया कैसे ड्रॉ करना है। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला सवाल भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, पहला सवाल लिखा हुआ है ग्राफिकली फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि मतलब जो लीनियर फंक्शन है ये एक्स और वाई एक्सिस से किस पॉइंट पे मिल रहा है। यार ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है, इसमें आप इंटरसेप्ट निकाल लो। अगर आपको याद हो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता था कि पॉइंट एक्स एक्सिस से, सॉरी आपकी लाइन एक्स एक्सिस से कब मिल रही है, तो आप अगर इक्वेशन में y की जगह जीरो पुट करोगे तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा, आपको डायरेक्ट वो पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह आपकी लाइन y एक्सिस से जब मिलती है तो उसमें x वैल्यू जीरो होती है, y इंटरसेप्ट जो है, तो उसमें आप इक्वेशन में x की जगह जीरो पुट करना, आपके पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, लेकिन बुक ने बहुत लंबी की हुई है, मैंने देखा था मुझे हंसी आ रही थी, किया हुआ क्या इन लोगों ने, इतना लंबा काम करके आपने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला हुआ है। मतलब इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने -2, -1, 1, 2 ये सब पॉइंट्स पिक किए हैं और लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। तो एंड पे देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है -4, 0 और यहाँ पे आ रहा है 0, 4, ठीक है। ये डायरेक्ट आ सकता था कि अगर आप इसके अंदर x की जगह 0 पुट कर दो तो y वैल्यू 4 आएगी, मतलब y इंटरसेप्ट 4 है यहाँ पे, जिसको पॉइंट की फॉर्म में आप लिखोगे 0, 4, और आप y की जगह 0 पुट कर दो x की वैल्यू -4 आएगी, तो डायरेक्ट -4 आपको मिल रही है। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा भाई ये सवाल तो आपने बुक के मेथड को ही फॉलो करना है, मैं ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और जाहिर सी बात है चार नंबर के अंदर बिल्फर्स बहुत ही कम चांसेस हैं कि यार ये आएगा, लेकिन अगर आ जाए तो वही काम करना है, टेबल पिक करना है, वैल्यूज 4-5 पिक कर लेना, ड्रॉ करना उसको, तो जो आपकी स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस से जिस पॉइंट पे मिल रही है उस पॉइंट को नोट करना, एक्स एक्सिस से जिस पॉइंट पे मिल रही है उसको नोट करना और लिख देना देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब वही एक्स और वाई एक्सिस आर, जो दोनों पॉइंट है उनको आप मेंशन कर दोगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको नजर आ रहा है इसमें ये काम करना है, दूसरे में तो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन है दोनों को ड्रॉ करना, स्केलिंग ये हर चीज मैंने बता दी है आप लोगों को, मेन चीज बता दी है, क्लियर कर दिया, तो क्या मसला है। इस ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया, इसमें दोनों इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की बता दिया, इसमें मैंने बताया एक पैराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन है, उसको ड्रॉ करना भी आपको आ गया, तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे उन्होंने बोला था ना कि क्वाड्रेटिक को ड्रॉ करो, तो क्वाड्रेटिक को आसानी से ड्रॉ कर दिया। दूसरा सवाल था स्केच करो ग्राफ को फॉर द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग फैक्टर्स। फैक्टर्स फॉर्म का मतलब ये है कि आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करके करो, वैसे सवाल जो आएंगे उसमें मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, तभी ये मेथड फायदेमंद है, वैसे ये मेथड इतना फायदेमंद नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। इसी तरह y इज इक्वल टू x कॉमन लो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लो, ये हो जाएगा x प्लस 2, फिर हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 1। तो अगर कन्वर्ट करो आप ये कंपेयर करो, ये आपकी थी वो वाली फॉर्म, फैक्टर फॉर्म जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक की। तो मजीद अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, आप लिखो एक्स माइनस माइनस टू, अच्छा एक्स माइनस माइनस वन, इस फॉर्म में आप लिख दो ताकि एग्जैक्ट कंपेयर हो जाए। तो यहाँ से अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो पी आपके पास माइनस टू आ जाएगा, और यहाँ पे ना आपके पास ए होता था, तो ए यहाँ पे ए की जगह मैं बाहर 1 लिख देता हूँ, तो पी माइनस टू आ जाएगा, क्यू माइनस 1 आ जाएगा और ए यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, जिसका सवाल में फायदा नहीं, बस पॉजिटिव है इसका मतलब शेप जो है वो अपवर्ड बन रही होगी, इस तरह समझो। अच्छा ये बात भी ध्यान में रखना, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसका मतलब शेप जो है वो उसकी अपवर्ड बन रही होती है। खैर, तो ये कंपेयर करने के बाद जैसे ही आपके पास पी क्यू आ गया तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे, मतलब एक्स इंटरसेप्ट आ जाएंगे। एक्स इंटरसेप्ट क्या होंगे, एक होगा -2, 0 और एक होगा -1, 0। तो दो तो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट आ जाएंगे, ये बुक में मेंशन किया हुआ है पूरा मेथड, यहाँ से भी आप लोग हेल्प लेना, ये दो पॉइंट जो हैं ये आपने मालूम कर लिए। फिर उन्होंने बोला कि वाई इंटरसेप्ट निकालो, इसमें इक्वेशन में एक्स की जगह जीरो पुट करना, वाई की जगह 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये वाई इंटरसेप्ट आ गया आपके पास। फिर उन्होंने क्या बोला, ए इंडिकेट करा डायरेक्शन को, तो ए पॉजिटिव है इसका मतलब डेफिनेटली अपवर्ड की तरफ होगा। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है तो एडिशनल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। अब इसके बाद आप लोग सुन लो क्या करना है, इसके बाद आपने वर्टेक्स निकालना है। यहाँ पे वर्टेक्स निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जो एक्स इंटरसेप्ट आए उनको ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो हो जाएगा -3/2।
तो ये वर्टेक्स ऐसे निकालोगे माइनस थ्री अपॉइंट टू एक्स वैल्यू है वर्टेक्स की, इस माइनस थ्री अपॉइंट टू को आप यहाँ पे पुट कर दो। जब पुट करोगे माइनस थ्री अपॉइंट टू का स्क्वायर नाइन अपॉइंट फोर, यहाँ पे पुट करोगे माइनस नाइन अपॉइंट टू प्लस टू, ठीक है। एलसीएम लो, ये हो जाएगा नाइन, ये हो जाएगा एटीन और ये हो जाएगा एट, माइनस टेन माइनस टेन, तो ये माइनस वन अपॉइंट फोर है। अब देखो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है बता देना, ये आपके पास वर्टेक्स आ गया। पॉइंट के फॉर्म में लिखो तो माइनस वन पॉइंट फाइव और माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, ये आपका वर्टेक्स है। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉइंट टू, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये डाटा काफी है। अब आप देखो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अराउंड आपको कितने पॉइंट पता है, माइनस वन पॉइंट फाइव के इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज होंगी, उसमें आपको पता क्या पता है, माइनस टू पता है, माइनस वन तो चलो इस तरफ होगा, और आपको क्या पॉइंट पता था, जीरो कॉमा टू पता था, ठीक है। तो माइनस वन पॉइंट फाइव के इस तरफ आपको एक ही पॉइंट पता है माइनस टू, तो आप दो तीन पॉइंट्स और मालूम कर लेना, माइनस टू है तो माइनस थ्री मालूम कर लेना, माइनस थ्री पुट करके देखना, माइनस फोर मालूम कर लेना, माइनस वन पॉइंट फाइव के इस तरफ आप क्या अच्छा कोशिश करना इक्वल रखना, ताकि आपके पास कैलकुलेशन करते हुए आसानी हो। जैसे माइनस वन पॉइंट फाइव है ना, इसके अराउंड इस तरफ आपको कौन सा पॉइंट पता है, जैसे माइनस वन पता है, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट ले लेना माइनस टू, ठीक है। दोनों तरफ इक्वल इक्वल वैल्यू मिलेंगी, जीरो जीरो और यहाँ पे मिले माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव। फिर इस तरफ आपको कौन सी वैल्यू पता है, आपको जीरो पता है, ठीक है, जीरो पे आंसर टू आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस वन और जीरो में कितना फर्क है, वन का, तो माइनस टू उसके बाद माइनस थ्री ले लेना, माइनस थ्री पे भी आंसर आपको क्या मिलेगा, टू का मिलेगा, मतलब जो आपको जीरो पे आंसर मिल रहा है वही माइनस थ्री पे मिलेगा, क्योंकि माइनस वन पॉइंट फाइव से जीरो और माइनस वन पॉइंट फाइव से माइनस थ्री सेम डिस्टेंस के ऊपर है, तो पैराबोला में ऐसे ही होता है, ये वैल्यू सेम मिल गई। क्या और आपको कोई वैल्यू पता है एक्स की, और आपको नहीं पता, तो आप एक काम करना अपनी तरफ से कोई वैल्यू लेना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टू ले लेना, टू जरा पुट करो यहाँ पे, टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस सिक्स टेन, ये आ जाएगा ट्वेल्व, तो जीरो टू में टू का फर्क है, यहाँ पे माइनस फाइव लेना, यहाँ पे भी ट्वेल्व मिलेगा। आगे भाई आपके पास सारे पॉइंट्स, इसको जाके एग्जैक्ट आपने वही मेथड लगा के उस पर ड्रॉ करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको आप कहते हो स्केच करना यूजिंग फैक्टर फॉर्म। सेम अगर ये बुक की एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो जो ए है वो माइनस टू के बराबर है, अच्छा इसका सिर्फ यही है कि शेप जो है वो नीचे की तरफ बन रही होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री अभी भी आपका नीचे होगा, लेकिन अब आपके पॉइंट सारे नीचे नीचे ड्रॉ हो रहे होंगे, आप इस तरीके से मिलाओगे, कोई फर्क नहीं है उनमें खास, वही कन्वर्ट करोगे। जब इसको कन्वर्ट करेंगे, देखो पहले वाला फैक्टर है एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स माइनस जीरो, मतलब पी की वैल्यू जीरो आ रही है यहाँ पे, और इसमें क्यू की वैल्यू आपके पास थ्री आ रही है, ये मेंशन किया हुआ है। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, एक एक्स इंटरसेप्ट होगा यहाँ पे जीरो कॉमा जीरो, और एक हो जाएगा थ्री कॉमा जीरो, इसी पैटर्न में आपने एक्स इंटरसेप्ट लिखना है। फिर वाई इंटरसेप्ट निकाल लेना, वाई इंटरसेप्ट कुछ आ रहा है इसका, अच्छा यहाँ पे जब आप एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो वाई जीरो आएगा, मतलब यही वाई इंटरसेप्ट भी है, मतलब अगर आप जो है ये समझ लो कि हाँ ये वाई इंटरसेप्ट ही है आपके पास। उसके बाद ए का साइन नेगेटिव है, इसका मतलब डाउनवर्ड बनेगा। तो इस एग्जाम्पल में आपको एक दो, ये दो पॉइंट पता है आपको, दो एक्स इंटरसेप्ट एक वाई इंटरसेप्ट। अब आप एक वर्टेक्स निकाल लेना, वर्टेक्स कैसे निकालोगे, थ्री और जीरो को ऐड करो, ये थ्री आ जाएगा, अगेन यहाँ पे भी थ्री अपॉइंट टू पे होगा, आप फंक्शन के अंदर पुट करना, आपको एक वर्टेक्स मिल जाएगा। ये वर्टेक्स मिलने के बाद अगेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी, एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉइंट टू, एक लाइन आपकी इस तरह बन जाएगी। सेम यही काम करना है आपने, उस लाइन के अराउंड कुछ पॉइंट्स पिक करने हैं और उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ये बात अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन की हुई है, तो माइनस 1.5 पे 4.5 आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इवनली स्पेस वहां पे वैल्यूज हैं, सेम सेम देखो 40 माइनस 8, 40 माइनस 8 मिल रहा है, उन्होंने ड्रॉ कर दिया। सेम काम हम यहाँ पे भी करोगे, देखो वर्टेक्स यहाँ पे 0.5 पे मेरे ख्याल में, हाँ तो 0.5 के इस तरफ तीन है, इस तरफ इन्होंने तीन लो तो काफी, इन्होंने चौथी भी ली हुई है, कोई मसला नहीं है, वैल्यूज वही मिल रही है जो आपको यहाँ पे मिल रही थी। इस तरीके से आप पैराबोला को ड्रॉ कर रहे होते हो। जो आखिरी सवाल है ना, वो है क्वेश्चन नंबर, ये वाला जो पूरा टॉपिक है बड़ा आसान टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या लिखा हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप, आपको इस टाइप की इक्वेशन निकालनी है, लिखा हुआ विच कट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट, इस पे कट कर रहे हैं एग्जैक्टली, ये सवाल यहाँ पे मौजूद है। प्रिडिक्ट करो इक्वेशन को, डेटा क्या गिवन है, अच्छा नहीं ये थोड़ा इन्होंने अलग किया हुआ है यहाँ पे, हाँ एग्जैक्ट इस किस्म का है, इसको तो समझ लोगे आसानी से। प्रिडिक्ट इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ये है विच कट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट है और आपको एक और पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले फैक्टर फॉर्म यहाँ पे यूज करोगे। फैक्टर फॉर्म क्या है कि आपको पता था इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट, मतलब दो, ये जो है ना फैक्टर फॉर्म, ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की फैक्टर फॉर्म है, जिसमें पी क्यू क्या होंगे, एक्स इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट फोर है और यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट माइनस टू है, तो पी की जगह फोर पुट कर दो, क्यू की जगह माइनस टू पुट कर दो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस फोर एक्स, जब क्यू की जगह माइनस टू पुट करोगे माइनस माइनस पॉजिटिव, जो कि यहाँ पर उन्होंने मेंशन की हुई है। तो ये एग्जैक्ट इसी तरह डाटा आपने बनाना है कि द कर्व विच पासिस थ्रू द पॉइंट इज शोन इन द फिगर,
पी यहाँ पे 4 है, क्यू यहाँ पे -2 है, तो फैक्टर फॉर्म में ये चीज़ आ जाएगी। ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है। देखो क्वाड्रेटिक के अंदर तीन अननोन होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a b c तीन अननोन है। तीन अननोन के लिए तीन पॉइंट आपको पता होने चाहिए, तो दो पॉइंट तो ये पता है आपको, इतना पता चल गया है कि ये इंटरसेप्ट है। अब रही बात a निकालना है, आपने a कैसे निकालोगे, तीसरा पॉइंट, आपका कर्व इस पॉइंट से पास कर रहा है ना, तो आपने सिंपल एक चीज पढ़ी थी कि जब आपका कर्व किसी पॉइंट से पास करता है तो उस पॉइंट को आप कर्व की इक्वेशन में पुट कर देते हो। तो आप क्या करो, आपको पता है 0.8 इस कर्व के ऊपर लाया कर रहा है, तो इस पॉइंट 0.8 को आपने इसके अंदर पुट कर दिया, सॉल्व के यहाँ से A1 आ रहा है। बस A1 को आप यहाँ पे पुट करोगे, ये दो फैक्टर बनेंगे, सॉल्व करोगे, आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाएगा। अब एक और तरीका मैं बता रहा हूँ कि बिल्फर्स अगर आपके पास जो पॉइंट्स गिवन हो वो एक्स इंटरसेप्ट ना हो तो फिर तो मेथड फेल हो जाएगा ना। अगर आपको ये दो तीन पॉइंट जो दिए हैं इसमें से कोई भी अगर एक्स इंटरसेप्ट नहीं है तो ये मेथड फेल हो जाएगा। अब बुक ने नहीं बताया उस सवाल में क्या करना है, उसमें सिंपल क्या काम करना होगा आपको, अगर कोई तीन पॉइंट्स गिवन है जो कि एक्स इंटरसेप्ट नहीं है तो आप क्या करोगे, बारी बारी इस इक्वेशन में पहला पॉइंट पुट करोगे, फिर आप दूसरा पॉइंट पुट करोगे, फिर आप तीसरा पॉइंट पुट करोगे, आपके पास तीन इक्वेशन आ जाएंगी ए बी सी की फॉर्म में। अनलेस अगर पॉइंट्स ईजी हैं तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो सकती है, लेकिन अगर मैं जनरलाइज यहाँ पे बात करूँ तो उन पॉइंट में अगर तीनों पॉइंट पुट करोगे तो आपके पास तीन इक्वेशन आ रही होंगी। मे बी किसी एक पॉइंट में एक्स की जगह पे जीरो हो तो आप पुट करोगे, ये तो जीरो हो जाएंगे, डायरेक्ट आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट देते हैं 0.4 तो एक्स वैल्यू जीरो है, शुरू की दो टर्म खत्म हो जाएंगी, ठीक है, डायरेक्ट आपके पास सी आ जाएगा। ऐसे सवाल भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जनरलाइज बात बता रहा हूँ कि अगर तीन पॉइंट गिवन हो जो कि ना कि एक्स इंटरसेप्ट हो ना वो वाई इंटरसेप्ट हो, सिंपल 1.2 हो, 3.4 हो, इस टाइप के सारे पॉइंट्स हो, तो आप पहला पॉइंट पुट करोगे, एक इक्वेशन आएगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तीन इक्वेशन आ जाएंगी ए बी सी की फॉर्म में। तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, आपके पास ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी। इक्वेशन को सॉल्व करना तो आप लोगों ने काफी सीखा, मैट्रिसेस के अंदर भी, मैट्रिक में भी सीखा हुआ था काफी, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, इस तरीके से आपके पास वहां पे क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा स्टोरेज फुल हो गया था तो मेरी वीडियो ऑफ हो गई थी, पता नहीं क्या टॉपिक था, खैर मतलब आखिरी बात मैंने क्या पढ़ाई थी। खैर मैं बोल रहा था कि ये जो है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ए आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, A3 है यहाँ पे, तो ए की जगह मैंने 3 पुट कर दिया। अब बाकी x माइनस पी, x माइनस क्यू है जो x इंटरसेप्ट है, अब वो आपको सवाल में उन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं कि p की वैल्यू यहाँ पे -3 ले लेना, q की वैल्यू यहाँ पे 5 ले लेना, तो p की जगह -5 पुट करो, -3 पुट करो, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, q की जगह पे आप 5 पुट करो तो ये x -5 हो जाएगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो सवाल में आसानी ये थी कि आपको ए पहले दिया हुआ था, इसका क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही काम किया हुआ है कि उन्होंने ए पहले दिया हुआ है। जब आपको ए पता चल गया, अब दो चक्कर रह गए, ठीक है, तो एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे आपने क्वेश्चन नंबर 8 को भी कर लेना है। अब एक चीज है कि दो उन्होंने दिए हुए थे, अगर ये एक्स इंटरसेप्ट ना हो तो अगेन वही मेथड है, अगर ये दोनों पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट नहीं है तो आप सबसे पहले इक्वेशन के अंदर पुट करोगे, बी और सी की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, फिर आप दूसरा पॉइंट पुट करोगे, अगेन बी और सी की फॉर्म में इक्वेशन आएगी, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, बी और सी आपके पास आ जाएगा, वो यहाँ पे पुट करना आपके पास रिक्वायर्ड आ जाएगी। तो उसमें थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन आपके पास आसानी से आ जाएगा। तो बच्चों मेरी कोशिश थी खत्म हो जाए तो ये खत्म हो गया है, माजरत के साथ थोड़े इश्यूज हुए हैं, इतना अच्छा मैं नहीं पढ़ा पाया, लेकिन गुजारा कर लो, इससे काफ़ी है।